आखिरकार बिश्नोई गैंग का करीबी वो नाबालिग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है जिसे एक्टर सलमान खान को मारने का टास्क दिया गया था। बिल्डर संजय बयानी की हत्या में भी इनकी भूमिका रही है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी वारदात के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। आरोप है कि नाबालिग लड़के ने मोहाली में मौजूद पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पर 9 मई को किए गए आरपीजी अटैक में शामिल था। पकड़े गए नाबालिग के तार न केवल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी रिंदा से बल्कि कनाडा में बैठे लखीवीर सिंह लांडा और लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने सलमान खान को मारने का काम दो लोगों के साथ साथ इस नाबालिग लड़के को भी सौंपा हुआ था। स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट और एप्रीहेंड। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करके ना तो बहुत ही 3 सीरियस केसेस के जो मेन शूटर या रॉकेट फायरर थे उनको पकड़ा है, बल्कि इनकी अभी तक की इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग से ये भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा सलमान खान को टारगेट करने की भी इनको टास्किंग की गई थी। दरअसल 6 जून को सलमान खान के पिता सलीम खान सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे जब उन्हें घर के बाहर एक धमकी भरी कागज की पर्ची मिली जिस पर मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी लिखी हुई थी। इसके बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। आरोप है कि 5 अप्रैल 2022 को संजय बयानी बिल्डर की हत्या को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। इस हत्याकांड को पाकिस्तान में बैठे रिंदा ने प्लान किया था और जिसके लिए बकायदा फंडिंग भी की। रिंदा ने 9 लाख रुपए भी भेजे थे जिसके लिए शूटर्स को 4-4 लाख भी दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट का हिस्सा हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।